So hi everyone, I'm Anshu Agarwal. So today I am here to tell you something about signatures. And it's a very interesting topic. I'm sure you are going to love it. Now the thing is, आपने कभी सोचा है जब पहले पुराने ज़माने में इट वॉज़ ऑलवेज लाइक दिस, एक सील होती थी जिसको हम राजा की सील या महल की सील, आपने ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे ऑब्वियसली सीरियल्स एंड ऑल एवरीथिंग, या हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, दे यूज़ टू सील अ डॉक्यूमेंट. वो रेड कलर का सील होता था जिसके ऊपर उनके ऊपर स्टैम्प्स जैसा बनता था, एंड दे यूज़ टू सील इट. नाउ व्हाट वाज दैट? दैट वाज द सिग्नेचर इटसेल्फ. नाउ हियर कम्स कि सिग्नेचर का जो ट्रेंड है वो बहुत पुराना है. पहले सील्स भी लगती थी, देन योर थंबप्रिंट इज़ ऑल्सो योर सिग्नेचर. नाउ कभी जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोग बड़े होते हैं, जब सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो वो अपने सिग्नेचर्स पे ध्यान देते हैं, राइटिंग पे ध्यान देते हैं, यू नो, ग्राफोलॉजी एंड ऑल. सिग्नेचर्स, अगर हम सोच के देखिए, अगर हम सिग्नेचर्स अपने बचपन से ही सही करें, हाउ इज़ दैट? इवन यू डोंट हैव टू टेक केयर जब आप बड़े होते हो, इट्स ऑल गुड, राइट? सो हियर आई एम टुडे टू टेल यू समथिंग जिससे आप अपने बच्चों के सिग्नेचर्स भी ठीक कर सकते हो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोगों को अपना फर्स्ट सिग्नेचर याद है? आपने खुद किया था या आपके पेरेंट्स ने आपको बना कर दिया था? आई रिमेम्बर माइंड, माई डैडी मेड इट फॉर मी. माई नेम वॉज अंशु गोयल बिफोर मैरिज. सो इट वॉज लाइक ए के ऊपर एक बड़ा सा जी का गोला बना के, एंड दैट इट वॉज जस्ट द गोयल एंड द ए वॉज स्मॉल. सो आई जस्ट एनालाइज दैट थिंग फॉर यू सो दैट यू कैन मेक आउट हाउ द फर्स्ट सिग्नेचर्स इम्पैक्ट यू. जब हम छोटे होते हैं तो हमको फैमिली बॉन्डिंग चाहिए होती है, राइट? लव ऑफ पेरेंट्स, केयर ऑफ पेरेंट्स और द फैमिली मेम्बर्स हु आर अराउंड यू. द सेम थिंग गोज विथ सिग्नेचर. जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है दैट इज़ अ स्मॉल लेटर अगर है, तो इट मीन्स आप अपनी फैमिली में छोटे हो. छोटे एज इन एज अ पर्सनैलिटी यू आर ओवरपावर्ड बाय अदर्स. जब आपका फर्स्ट लेटर आपके नाम का आप छोटा लिखते हो, इट मीन्स आप अपने आप को भी छोटा ही देखते हो. और जब हम एक्चुअल में छोटे होते हैं, यू नो, एट अ वेरी यंग एज, वी डोंट सी अवरसेल्व्स एज एन इंडिविजुअल. हम हमेशा फैमिली के अंदर ही रहते हैं, उस कुकून के अंदर ही रहते हैं, तो तब वो चल जाता है. बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये जो स्मॉल लेटर है आपके फर्स्ट जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है, वो अगर आप स्मॉल लिखेंगे तो आप अपने आसपास की दुनिया में भी अपने आप को छोटा ही महसूस करेंगे. दिस इज द इंडिकेशन. नाउ द सेकेंड पार्ट वॉज द राउंड ऑफ जी इन माई नेम. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ राइट नाउ. तो जो सरनेम है दैट इज योर फैमिली नेम. आपके नाम के साथ आपका जब सरनेम आ जाता है, सो दैट इज योर फैमिली नेम विच इज़ अटैच टू योर नेम. तो जब हम उसका फर्स्ट लेटर अपने नाम के फर्स्ट लेटर के आसपास लिखते हैं, या अपना फर्स्ट नाम का फर्स्ट लेटर सिर्फ एक ही लिखते हैं उसके बाद फुल सरनेम लिखते हैं, इट मीन्स कि आप अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो. इट्स अ सिंपल थिंग. द वे यू साइन इट शोज हाउ यू सी योर सेल्फ. और जैसा आप अपने आप को देखते हो वैसा ही दूसरे भी आपको देखते हैं, और उसी तरह से आपको ट्रीट भी करते हैं. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. और फिर हम ये सोचते हैं, यार वो हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है? अरे भाई, आप पहले खुद अपने बारे में वैसा सोच रहे हो. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कि किस तरह से आपको अपने लेटर्स लिखने चाहिए सिग्नेचर में, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, राइट? I think you are going to enjoy it now. So, सबसे पहले, the first thing is,
अपने नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा आप कैप्स में लिखिए, नो स्मॉल कैप्स, इट शुड बी अ बिग कैप. माय नेम इज अंशु, सो आई ऑलवेज राइट इट विथ कैपिटल ए. नाउ उसके बाद आपका जो नाम का कंसिस्टेंसी होती है, इट शुड बी सेम. सरनेम आप जोड़ के लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आई टोल्ड यू सो कि वो आपके मतलब आप पूरी कंप्लीट फैमिली को अपने साथ लेकर चलते हैं हर वक्त, सो उसमें इमोशनल कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है. नाउ द थिंग इज जब आप अपने सरनेम को थोड़ा सा दूर रखते हैं, सो इट मीन्स आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के लिए थोड़ी सी स्पेस खुद के लिए भी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है आगे चलकर. अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या आप कुछ करना चाहते हैं, सो यू हैव टू थोड़ा डिस्टेंस हर इंसान के लिए ज़रूरी है खुद को पहचानने के लिए. तो इट्स ओके अगर आप अपने नाम और सिग्नेचर के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हैं, इट्स ऑल गुड. नाउ सेकंड पार्ट, जनरली हम सिग्नेचर्स करते हैं या और लोगों के अगर आपने देखे हों, तो द थिंग इज दे राइट इट डाउनवर्ड्स दिस वे. सिग्नेचर यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे वो नीचे आ जाएगा. इट मीन्स आपकी लाइफ में आप ऊपर चढ़ने की जगह आप नीचे जा रहे हैं, सो टेक केयर ऑफ दैट पार्ट ऑल्सो. जब भी साइन करें आप थोड़ा ऊपर की तरफ करें, यू नो दिस वे. नाउ कई लोग सिग्नेचर करने के बाद उसको क्रॉस कर देते हैं, उसके ऊपर लाइन मार देते हैं. दैट इज अगेन दैट इज अ सेल्फ सैबोटैज. आप खुद को ही सैबोटैज कर रहे हो, खुद को ही ख़त्म कर रहे हो, यू नो. नाउ नीचे लाइन लगाना, एक लाइन लगाना इज़ गुड, फेयर इनफ, क्योंकि वो इसका मतलब ये होता है कि आपका आपको फैमिली का सपोर्ट है. डबल लाइन आपकी इनसिक्योरिटी को दर्शाता है. फैमिली सपोर्ट है बट देन टू फॉर एवरीथिंग यू आर डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली. अगर आप टू लाइन्स लगाते हैं अपने नाम सिग्नेचर के नीचे, वन लाइन इज़ फेयर इनफ. नाउ आई विल कम विथ द टू मोर थिंग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, डॉट्स. नाउ द डॉट्स आर जब इनिशियल्स लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना इनिशियल लिखती हूँ अंशु अग्रवाल और अपने हस्बैंड का नाम लगाती हूँ बीच में केशव, सो अंशु केशव अग्रवाल. नाउ द थिंग इज अगर मैं लिखती हूँ ए डॉट के डॉट अग्रवाल, इट मीन्स मैं अपनी आइडेंटिटी को स्टॉप कर रही हूँ, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही हूँ, उसकी आइडेंटिटी को स्टॉप कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं जो हमारा फैमिली सरनेम है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ. सो आई विल बी लाइक अगेन इन टू दिस फैमिली सर्कल. अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने हस्बैंड की इंडिविजुअलिटी ख़त्म करके आई एम टोटली इन माई फैमिली. नाउ अगर मैं अपने नाम को सिर्फ अपना ही नाम रखूँ विद द सरनेम एंड और आई शुड राइट द कम्प्लीट नेम, तो देन इट इज़ ऑल्सो ओके. बट अगेन आई प्रिफर कीपिंग स्पेस इन बिटवीन डॉट्स. पूरे नाम के बाद लोगों को आदत होती है लास्ट में एक डॉट लगाने की, नेवर पुट दैट. डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप, ये आगे बढ़ने से आपको रोकता है. टू डॉट्स आर फेयर इनफ, गुड इनफ, बिकॉज दे रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी. वन डॉट इज फुल स्टॉप. सेम वे गोज सिग्नेचर के नीचे डॉट्स. अगर आप एक डॉट लगाओगे अ बिग नो, टू डॉट्स इट्स फेयर इनफ. लेकिन अवॉइड करें, अगर डॉट आप लगाते हैं तो जस्ट अवॉइड डॉट्स, इट्स ऑलवेज गुड. अगर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, अगर वो हमेशा नीचे दो डॉट्स लगाते हैं, ठीक है. नाउ द फर्स्ट डॉट जो था उनका, अगर आपको याद हो तो जब आई थिंक बैंगलोर में ही डिड सम फैशन शो और समथिंग एंड ही पेड वो ABCL समथिंग, दैट टाइम ही वॉज ब्रोक और दोनों डॉट्स के बीच में ही हैज सम गैप, तो उनको उतना टाइम लगा वापस रिवाइव होने के लिए.
इट इज़ अ कैलकुलेशन अगेन, जो सिग्नेचर एनालिसिस होता है उसके अकॉर्डिंगली, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो एनालिसिस होता है कि कितना टाइम अगर आपका, बिकॉज डॉट्स आप रैंडमली लगाते हो, आप सोच के नहीं लगाते कि आपको एक यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है, इट्स ऑलवेज रैंडम. सो वेन एवर इट इज़ रैंडम, सो इट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ इंडिकेटिंग ऑल दोज थिंग्स, यू आर नॉट डूइंग इट ऑन पर्पस. फाइन, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, जस्ट अवॉइड डॉट्स. नाउ द बेस्ट पार्ट, आई टेल यू समथिंग. अगर आपको अपने सिग्नेचर से अपना मनी मैनेज करना हो तो इट्स अ ब्यूटिफुल थिंग. सी, जब हम सिग्नेचर्स करते हैं अपने, तो थ्री लेटर्स ऐसे हैं जो स्मॉल में लिखे जाते हैं जिसको आप नीचे टर्न करते हैं. आई थिंक दे आर जी, देन वाई, जे. दीज थ्री लेटर्स, दे आर कॉल्ड एज मनी बैग, बैग लेटर्स. ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा उसका लूप नीचे बना रहे हैं एंड यू आर क्लोजिंग इट, सो इट शोज़ योर ईगो. इफ यू आर जस्ट मेकिंग इट सिंपल, देन दैट इज़ द मनी बैग. आप अपने मनी को स्टोर कर रहे हैं. सो यू शुड ऑलवेज, अगर आपके सिग्नेचर में जी, वाई, जे इस टाइप के लेटर्स आते हैं, इवन जेड जिसमें आप नीचे लूप बनाते हैं, तो उसको इस तरह से बनाइए. आई शेयर द डूज एंड डोंट्स अगेन, रिटन में मैं आपको भेजूंगी, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द थिंग कि हाउ यू शुड मेक द मनी बैग्स. मनी बैग बनाते वक्त वाई, जेड, जी, जे, उनका जो लूप ऊपर जाता है, डोंट मतलब उसको आप छोड़े नहीं, लूज. इट शुड बी क्लोज्ड. ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाई की, आपके पास पैसा आएगा और उसी स्पीड से नीचे चला जाएगा. यू आर नॉट मेकिंग अ बैग. यू हैव टू मेक अ बैग एंड क्लोज इट, दैट इट शुड स्टे विथ यू. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिग्नेचर्स में कोई भी लाइन आप जब भी बनाते हैं, तो ध्यान रखें जब लास्ट लेटर होता है सिग्नेचर का, उसको कभी भी नीचे नहीं मोड़े, रिवर्स नहीं मोड़े. इट शुड ऑलवेज गो अप, ना ही ऊपर से टर्न होना चाहिए ना नीचे से. इट शुड ऑलवेज गो अप, नो डॉट्स. डोंट लीव लाइन्स स्ट्रेट डाउन. जस्ट थोड़ा सा मनी बैग बनाकर उसको अटैच कर दें मेन अल्फ़ाबेट से, वहाँ लूप खुला नहीं छोड़ें. ये दो तीन चीज़ें हैं. अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, इवन इफ़ यू कैन एनालाइज योर सिग्नेचर्स, यू विल सी मैनी थिंग्स. इसी तरह से अगर हम बच्चों को शुरू से, छोटी छोटी चीज़ें हैं अगर उसकी आदत डाल दें, द वे यू दे शुड यू नो डू देयर सिग्नेचर्स एंड ऑल, सो आप खुद सोचिए इन चीज़ों पर कभी उनको लाइफ में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. राइट, इसी तरह से ग्राफोलॉजी में भी, द वे यू मेक योर लेटर्स, इट काउंट्स. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो. मैं आपको इसके PDF भेजती हूँ थोड़ी देर में, एंड इट वुड बी ऑन द मैसेंजर और टेलीग्राम पे होगा, ग्रुप पे होगा, व्हाट्सएप पे होगा, और एल्स यू कैन मैसेज मी योर नंबर और व्हाट्सएप नंबर एंड आई विल सेंड यू दैट. आई होप यू लाइक्ड इट. फॉर एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.